भी है, फन भी है, प्यार भी है, गन भी है, लड़ना ता मन भी है, मिले जे कोई चाहुंदा है, बातुए में खुले होना, हवा विच चुल्ले होना, एक गल भुल्ले होना, बूसे आला चाहुंदा है, जान गया जाना है के पिड़ी दा निशान है के बल्ले आ तो फन है के टिके कदों लीफ ने पावे टाइम होया चेंज थल्ले ओही काली रेंज विच ओही सेम यार साडे ओही सेम पीप ने टाइम होया चेंज थल्ले ओही काली रेंज विच ओही सेम यार साडे ओही सेम मेरा नाम है मानशु है तो आज आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। तो गाइज इस वीडियो के अंदर अभी आपने जो वीडियो का स्टेटस देखा था वो मैं आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा, ठीक है, एंड्रॉइड के अंदर, ठीक है। वो बहुत ही आसानी से बनता है, वो उस टाइप का स्टेटस आप लोग सोच रहे हो कि है ना ये कैसे बनता है क्या बनता है, बहुत ही आसानी से बनता है गाइज, मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। आप पूरा इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू करिए, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कैसे करना है। उसके लिए सबसे पहले अपन अपना काइनमास्टर ओपन करें। गाइज हमने अपना काइन मास्टर ओपन कर लिया है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा अगर आप काइन मास्टर ओपन करते हैं तो। उसके अंदर आपको इस प्लस वाला आइकन पे जाना है और रेशियो 16:9 इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट होने के बाद ये थोड़ा लोडिंग हो रहा है, आपको गाइज मोड एपीके डाउनलोड कर लेना है काइन मास्टर का। आप क्रोम पे या फिर किसी भी ब्राउजर पे सर्च करें डाउनलोड मोड एपीके ऑफ काइन मास्टर और वहाँ से इसका मोड एपीके डाउनलोड कर लें। उसके बेनिफिट्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर जरूर बताऊंगा और आप मेरी पहले की वीडियोस देखेंगे उसके अंदर आप मैंने आपको बता रखा है कि कैसे यूज़ करते हैं काइन मास्टर को, किस टाइप की और भी तरह की एडिटिंग मैंने सिखा रखी हूँ। मेरी प्रीवियस वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं, वरना फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा प्रीवियस वीडियोज़ का, ठीक है। उसके बाद आपको मीडिया पर जाना है, मीडिया पे जाने के बाद आपको कोई भी बैकग्राउंड ले लेना है, आपकी मर्जी, आप बैकग्राउंड कोई सा भी साइज किसी भी कलर का ले सकते हैं, फिर कुछ भी ले सकते हैं, आप कोई वीडियो भी लेना चाहे तो वीडियो भी ले सकते हैं अपनी, ठीक है। यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर लूँगा, देखिए मेरे को ये कलर सही लगा है, ठीक है, इसका मैंने कलर चेंज कर दिया, इसको डन करेंगे। अब यहाँ से आपको लेयर पर जाना है, हैंड राइटिंग पर क्लिक करेंगे आप यहाँ से, और इसको देखिए यहाँ से स्क्वेयर वाला ही रखना है और यहाँ से इसका कलर ब्लैक कर लेना है, ठीक है, यहाँ से डन करेंगे। और यहाँ से एक ऐसी देखिए ऐसा कुछ ड्रॉ कर लेना है और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है अच्छे से, थोड़ा सा आप इसको जूम करके भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसका आपको डुप्लीकेट करना है यहाँ से जाके थ्री डॉट्स पे, और इस डुप्लीकेट्स पे क्लिक करके यहाँ से इसको ऊपर भी लगा देना है, ठीक है गाइज। अब इसका ड्यूरेशन जो है वो आपको इंक्रीज़ कर लेना है यहाँ से, इसके मतलब हैंड राइटिंग का ड्यूरेशन आपको इंक्रीज़ कर लेना है, तो आपकी कुछ ऐसी वीडियो बन जाएगी। इसके बाद आपको एक फ़ोटो लगानी है, फ़ोटो आपको है क्रोम से डाउनलोड कर लेनी है, नेट से डाउनलोड कर लेना आप कहीं भी किसी भी ब्राउजर से, जैसे आपका जो भी ऑब्जेक्ट मतलब जिस पे आपका सॉन्ग बेस्ड है उस टाइप की फ़ोटो आप डाउनलोड कर लें और आप जिस टाइप की डाउनलोड करना चाहें कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखें मैंने डाउनलोड कर रखी है, मैं आपको एक बार लोड करके दिखा देता हूँ। वाइस देखिए मैंने यहाँ पे अपनी इमेज को यहाँ पे ले आया हूँ मैं टाइमलाइन पे, इसको आपको साइज में एडजस्ट कर लेना है, जहाँ पे आप एडजस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको एक वीडियो डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। आप कहेंगे तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कमेंट करिए कमेंट में भी दे दूँगा आपको लिंक उसका। इसके बाद ये सारा आ चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे डाउनलोड मैंने कहाँ पे किया है, ठीक है। लेयर में जाके मीडिया पे आपको चूज़ कर लेनी है, जैसे देखिए गाइज मैंने यहाँ पे पहले ग्रीन स्क्रीन का दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ग्रीन स्क्रीन की आपके सामने कुछ ऐसी वीडियो आएगी, इसको आपको नीचे जाके क्रोमा की कर देना है इनेबल, क्रोमा की इनेबल कर देंगे आप। यहाँ से देखिए एडजस्ट हो चुका है, अब अपन देखते हैं कि सेट होता है या नहीं। देखिए तो गाइज यहाँ पे देखिए एकदम मतलब इसका जो ग्रीन स्क्रीन थी वो रिमूव हो चुकी है। अब आपको करना क्या है मैं आपको आगे और दिखा देता हूँ। देखिए अब इसको अपन क्रॉप कर लेंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे देखिए ब्लैक लाइन आ रही है, ये हमने पहले ही लगा ली थी, तो इसको यहाँ से क्रॉपिंग पे जाके इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेंगे हल्का सा, ठीक है। क्रॉप करने के बाद इसका साइज एडजस्ट कर लीजिए यहाँ पे, और इसकी देखिए आपकी वीडियो बनके तैयार हो चुकी है। इसका थोड़ा सा ड्यूरेशन आप बढ़ाना चाहे तो बढ़ा लीजिए, देखिए मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। देखिए गाइस अपनी वीडियो जो है बनके तैयार हो चुके हैं, देखिए एकदम सही वीडियो बनी है। इसको थोड़ा सा अगर आप साइज इंक्रीज करना चाहें तो कर लीजिए, बाकी आप इसको एक्सपोर्ट कर लें। एक सेकंड गाइस यहाँ पे बैक प्रेस करेंगे, देखिए वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा है और हैंड राइटिंग का ड्यूरेशन थोड़ा कम रह गया है, इसको अपन यहाँ कर लेंगे। और आपको थोड़ा सा चेंज क्या करना है, हैंड राइटिंग पे दोबारा क्लिक करेंगे, इस इन एनिमेशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और ये नीचे वाली हैंड राइटिंग है तो इसके लिए एंटर स्लाइड अप कर देंगे और इसकी ड्यूरेशन कम कर देंगे, ठीक है। सेम ऊपर वाले के लिए ऐसे ही करेंगे, इसके इन एनिमेशन पे जाएंगे और इसके एनिमेशन डाउन कर देंगे और टाइम सेम रख देंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसा लोड होगा,
और यहाँ से आप इसकी ये जो फोटो है इसको भी अगर आप कुछ करना चाहें फेड या फोक तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं भी यहाँ पे कर देते हैं, देखिए ठीक है गाइज अपनी वीडियो बनके तैयार हो चुकी है। आप इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए, अगर आपके अंदर आपको इस वीडियो के अंदर कोई रेजोल्यूशन चेंज करना है तो आप कर लीजिए ठीक है। और इसके अंदर आपको अपना कोई नाम लिखना है तो लेयर में जाएं, टेक्स्ट पे जाएंगे और अपना नाम भी लिख दें ठीक है। यहाँ से अपना नाम आप लिख देंगे और यहाँ नाम की जो ब्लैक जो अपना अपने जो हैंडराइटिंग थी इस पर आप इसको सेट कर सकते थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ से इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर लें आप तो मर्जी, आप जो भी रखना चाहते हैं वो रख लीजिए ठीक है। ये आपका जो है नाम भी आ जाएगा, इसके एनिमेशन आप रखना चाहें तो रख लीजिए ठीक है, वो आपकी मर्जी। यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ ठीक है। एक्सपोर्ट करेंगे अपन, रिजोल्यूशन थोड़ा कम कर लेते हैं इसका। तो गाइज़ इसको आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। अभी गाइज़ आप वीडियो को स्किप ना करें, मैं आपको बताऊंगा ब्लैक स्क्रीन का कैसे यूज़ करना है। ब्लैक स्क्रीन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है, ब्लैक स्क्रीन की ही वीडियो आपको ज़्यादातर मिलेंगी, ग्रीन स्क्रीन वीडियोस कम मिलती है। अगर आप कोई सॉन्ग्स का सर्च करते हैं तो उसके अंदर मैक्सिमम हर सॉन्ग का मिल जाता है, लेकिन मतलब कम चांस रहते कि है ना ग्रीन स्क्रीन वीडियोज़ मिलें ठीक है। ग्रीन स्क्रीन वीडियोज़ नहीं मिलेंगे आपको, ब्लैक स्क्रीन वीडियोज़ मिलेंगी। तो इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे अपन ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या, जैसे बैक आएंगे सेम टू सेम प्रोसीजर रखना है। इसमें ग्रीन स्क्रीन को वीडियो को डिलीट कर दूंगा, ये मेरा जो टेक्स्ट था इसको मैं थोड़ा सा टाइम बढ़ा दे दूंगा। इसके बाद आता है ब्लैक स्क्रीन को कैसे इनेबल करना है। आपको ब्लैक स्क्रीन भी डाउनलोड कर लेनी है गूगल से, यूट्यूब से, मतलब मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ठीक है। आप वहाँ से चेक कर लीजिए कि कौन सी वीडियो मैंने यूज़ की है। आप और भी सर्च कर सकते हैं कि डाउनलोड मतलब ग्रीन स्क्रीन वीडियोज़ ऑफ दिस, जो भी आप सॉन्ग रखेंगे उसके आप ग्रीन स्क्रीन वीडियो यहाँ से यूट्यूब से चेक कर सकते हैं और उसको डाउनलोड कर लें। लेयर में जाके आप मीडिया पे क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद आपको जो एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो आपने जो डाउनलोड करी होगी उसको यहाँ पर ले आएंगे और देखिए आपकी से कुछ वीडियो ऐसी आएगी ठीक है। अब इसको आपको ब्लैक स्क्रीन हटानी है तो आपको इस पर क्लिक करना है, नीचे ब्लेंडिंग पे जाना है ठीक है। ब्लेंडिंग पे जाके आपको स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। देखिए स्क्रीन पे क्लिक होने के बाद इसकी जो ब्लैक स्क्रीन है वो बिल्कुल रिमूव हो चुकी है, ये अपनी वीडियो बनके तैयार हो चुकी है। मैं आपको दिखा, देखिए थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है इसका, साइज़ इसका छोटा कर लीजिए, आपकी मर्जी। आप मतलब कितने किस हिसाब से इसको एडजस्ट करते हैं, आप कौन सा सॉन्ग लेते हैं, आप कौन सी फोटो लेते हैं, वो आपके ऊपर है ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है ठीक है, ये आपकी वीडियो बनके तैयार हो चुकी है, मैं आपको इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। ठीक है गाइज़ आपकी वीडियो बनके तैयार हो चुकी है, आप इसको भी एक्सपोर्ट कर लें ठीक है। आप इसको एक्सपोर्ट करके सेव कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। अभी मैंने आपको गाइज़ दो तरह की वीडियो बता दी है, आपको ब्लैक स्क्रीन ज़्यादा काम आएगी क्योंकि यूट्यूब पे ज़्यादातर ब्लैक स्क्रीन वीडियो ही मिलेंगी। अगर आप सर्च करेंगे किसी भी सॉन्ग का तो ज़्यादातर आपको ब्लैक स्क्रीन वीडियोज़ मिलेंगी, ग्रीन स्क्रीन वीडियो नहीं मिलेंगी। गाइज़ आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट मैं आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ दूंगा ठीक है। इस चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा वीडियोज़ मिलेंगी, अच्छी मिलेंगी, प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देता हूँ मैं किस टाइप की वीडियो बनाऊंगा। अभी आपने देखा ये ब्लैक स्क्रीन स्टेटस आपने डाउनलोड कर लिया, अब अगर आपको इसको क्रिएट करना हो तो आप कैसे करेंगे। अब आप सोच रहे हो भाई मेरे को क्रिएट करना ही क्यों है जब मेरे को यूट्यूब पे मिल रही है। तो गाइस हर सॉन्ग का मिलना ज़रूरी नहीं है, और अगर हर सॉन्ग का मिल भी जाता है तो आपको जो लाइन आप यूज़ करना चाहते हैं वो लाइन का नहीं मिलेगा सॉन्ग। मान लो आप इसी सॉन्ग के लिए ले लो, आपको और किसी लाइन का स्टेटस बनाना था तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो इस टाइप की स्टेटस भी मैं आपको बनाना सिखा दूंगा ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इस टाइप की वीडियोज़ को बनाना सिखा दूंगा कि ऐसी वीडियोज़ कैसे बनाते हैं, ब्लैक स्क्रीन वीडियो जो भी ठीक है, इस टाइप के स्टेटस आप बनाते कैसे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूंगा। गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें।